हेलो पापा, अक्सर मम्मी का फोन आता है, आज प्रीति जाए तो पापा का फोन आया। हाँ जी, सच में भी बड़ी सुंदर है, कैमरे की सफाई ना है भाई। एक मिनट, मेरे फूफा जी तो आपके इतने ज्यादा बड़े फैन है मैडम, आप उस समय आपकी वो फिल्म आई थी ना वीर जारा, फिल्म देखने के बाद मेरे को पूछते हैं, कहते प्रीति के अपोजिट कोई हीरो नहीं था, मतलब कितने बड़े फैन हो गए, शाहरुख खान दिखाई नहीं दिया उनको पूरी फिल्म में। वो तो हमारी भूई बड़ी समझदार थी, उसने बोला कोई बात नहीं ऐसा होता है, मर्डर के टाइम पे भी मेरे को सिर्फ इमरान हाशमी दिखा था। बहुत आता है ऐसा अक्सर, कोई बात नहीं। और मैडम कैसे चल रहा है क्रिकेट का वो आपका सब? बस बढ़िया मैडम, ये सिर्फ क्रिकेटर ही खरीदती है, पहलवान वगैरह नहीं खरीदती आप? पहलवान नहीं खरीद, खरीद लो मैडम, बड़े फायदे हैं हमारे, हम मैच के टाइम पे फील्डिंग कर लेंगे, बाद में आपके बाउंसर हो जाएंगे। और हमारी आपको प्रमोशन भी नहीं करनी पड़ेगी, हम अपनी प्रमोशन खुद करते हैं। हमें कोई पूछे ना भाई साहब ये रास्ता बता, हम बोलते हैं सीधा जाके ऊपर चढ़ जाओ, सामने से एक यूटर्न आएगा, कहां से कट ले लेना, उसके बाद सीधे जाओगे ना तो वहां पे एक राउंड अबाउट आ जाएगा, वहां एक बहुत बड़ी वाली बिल्डिंग है, बस वही आपकी जगह है। भाई जी वैसे मैं बता दूं, मैं कोच हूं, मैंने अपना खड़ा खोल रखा है क्योंकि इंडिया के बहुत सारे मेडल दिलवाने हमने, सुना है कि आज हमारे अखाड़े में कोई बहुत बड़ा आदमी सीखने आ रहा है, इतना बड़ा आदमी है सुहेल खान को भाई रखा उसने। तो कितना बड़ा आदमी होगा, थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, मट्टी वट्टी डाल देते हैं थोड़ी। ओहो जय हो, इसी अखाड़े ने हमको बहुत कुछ दिया भाई जी, मट्टी वट्टी डाल देते हैं थोड़ी भाई। ऐसी बरसात भी नहीं हो रही है, कीटे किधर से आ गए? ऐसे बात कर रहे हो क्या? बात कर रहे हैं ऐसे बात करते हैं? ये बड़े स्टार से ऐसे बात करते हैं? ऐसे मैं बता दूं, मैं असली वाला हूँ, होड़ होड़ तबंग तबंग तबंग। ये बताओ नाम क्या है आपका? My name is माँ कसम सुल्तान। ये कैसा नाम हुआ भाई, माँ कसम सुल्तान? नहीं पहले मेरा नाम सिर्फ सुल्तान ही था, लेकिन मेरा शरीर देख के कोई मानता नहीं था, तो मेरे को हर जगह बोलना पड़ता था माँ कसम सुल्तान, माँ कसम सुल्तान, और मेरा वही नाम पड़ गया। सलमान क्या कॉमेडी करता है तू, तुझे तो किसी बड़े कॉमेडी शो में एंकर होना चाहिए था। वैसे मैं पता जज भी बोल सकता था, लेकिन छोटे तेरे पेट पर लात नहीं मारना चाहता। इधर करने क्या आया हो? व्हाट इज योर पर्पस ऑफ विजिट? हां मैं पहलवानी सीखने आया हूं, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड पहलवान है और उसे सेम प्रोफेशन के लड़के से शादी करनी है। अच्छा देखो मैं तुम्हें पहलवानी के कुछ टिप्स देता हूँ, जब भी तुमने पहलवानी करनी है ना, सबसे पहले सामने वाले पहलवान के पैर पे पैर मारना है। क्यों? इससे वो नीचे आएगा, तुमने बोल देना कि भाई साहब बच्चे से क्यों लड़ रहे हो, घर जाओ ना। ठीक है, एक बात बताओ, बच्चे की हाइट पे पंच मारते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? ये देखो मेरा पेट बहुत भार है, इसे अंदर करो। वैसे इसको अंदर क्यों करना है, इधर होंठ बनाओ, यहाँ पर नाक बना, दो भाई हो जाओगे तुम। अभी तक हाइट पे पंच मारते थे, पेट दिख गया, पेट पे पंच मार। अर्चना जी इसके पास टकले पे 200 पंच हैं, आप कभी बिना विक के मत आइएगा इसके सामने। देखो पहलवानी का सबसे पहला असूल है भांति भांति प्रकार के नशे छोड़ने पड़ेंगे। मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, हाँ बता रहा हूँ मैं। बेटा प्रीति जी सामने बैठी है, तू अर्चना पे फोकस कर रहा है, होश वाली बात तो नहीं है ना फिर? पता नहीं है, मैं प्रीति के संग फिल्म कर चुका हूँ। बेटा क्या कहना, मैं तेरे से बड़ा बच्चा पेट में लेके फिल्म की है उन्होंने। और पहलवानी सीखनी है ना तुमको? कोई बात नहीं, तेरे को पहलवानी सिखाते हैं, इधर आ, ये देख, ये जो घंटी हो है ना, ये पहलवानी में सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जब ये तीन बार बज गई समझो मेन काम चालू है, हरकत में आ जाना। ठीक है? छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। इधर आओ, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, ये हमारा खड़ा है। ठीक है, बॉडी बनानी है ना, वो डंबल उठाओ। चाहिए डंबल? हाँ डंबल उठ जाओ, शाम के 4 बज गए हैं। डंबल उठा लो। ये उठ नहीं ला, लगता है ही इज नो मोर। अबे आने में देरी हो गई।
एक तो भाई जी बच्चा है, ऊपर से सलमान है, कर कुछ नहीं सकते दोनों। हेलो, हाँ हाँ, क्या अरे तोष पहलवानी करते हुए बेहोश हो गया? फटाफट फटाफट बाकी के पहलवानों को चार ग्लास दूध पिलाओ। मैं ना पहलवानों की रक्षा करती हूँ, स्ट्रगलर्स की नहीं। चौथी बार हो चुका ये पंच है? मैं तब तक बोलूंगी जब तक ये स्ट्रगलर रहेगा। ये देख लो औरतों को लड़ाई करने का कितना शौक है, कोई नहीं मिला तो खुद को चाटे मार रही, बताओ। ओए गर्लफ्रेंड है वो मेरी। भाई जी जो उनका असली वाला पति आपसे बड़े बल्ले से छक्के मारता है। या बताओ तुम्हारे माँ बाप हैं? हैं, बिल्कुल हैं। तो उन्होंने समझाया नहीं जब एक लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं खड़े होते? चल भाग यहाँ से, भाग। ये जो तूने बत्तख के चक्कर में शेर की दोस्ती तोड़ी है ना बेटा, भुगतेगा एक दिन, मैं बता रहा हूँ तेरे को। राज भी गए, मतलब आज कॉमेडी मैं करूंगी। मम्मी फटाफट टीवी लगाओ, मैं ना स्टैंड अप कर रही हूँ। हाँ तो सुनो, मैं जोक सुनाती हूँ, ठीक है? एक बार एक इंसान का दिल टूट गया तो उसका जीके कमजोर हो गया, पूछो क्यों? अरे जब दिल ही टूट गया तो जीके क्या करेंगे। अर्चना जी आज सगे बाप से ज्यादा मिस कर रहा हूँ बलराज भैया को। ये सब लोगों को जेल क्यों हो रखी है? ओ सॉरी, आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस वन थिंग। ओ मैं तेरी लत तोड़ देनी, कितने है तू सुल्तान? टिशू लो। टिशू क्यों? सुसु हो गई है मेरी इसकी आईडी। सुनो अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना तो इससे लड़ना होगा। इससे लड़ूंगा मैं? हाँ? मेरे से लंबी जुबान निकाल ली इसने, कैसे लड़ूंगा? अरे ये क्या हो गया? इससे लड़ने के लिए मुझे अमेरिका से बुलाया, इसको तो मैं वीडियो कॉल पे हरा देता। अरे यार जल्दी से बेल्ट हटाओ, बच्चा बिलो का बेल्ट अच्छा नहीं लगता है, बता रहा हूँ मैं। फटाफट इसमें अपनी गर्दन फंसा दे, मैं नीचे नहीं झुकूंगा तेरे को पकड़ने के लिए। अच्छा ये लड़ाई शुरू करने से पहले अपना आइकॉनिक स्टेप करो ना। ठीक है बच्चा बोलता है तो कर देते हैं। हाथ मिले, हाथ मिले, कर दीजिए कर दीजिए। अरे ये क्या हो गया? मैंने इसे हाथ मिला, हाथ में ब्लेड थमा दिया। लोग हिंदुस्तानी है, कुछ भी करके जीत जाते हैं।